अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ इरा महमूद न्यूज़ ऑन के साथ। और आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, आप सबको बहुत ज़्यादा तजस्सुस रहता है कि ग्वादर जो है वो कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ जो है वो डी जी ऑफ ग्वादर डेवलपमेंट मौजूद है, शशदेव काकड़ साहब। तो उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो वी आर रियली थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले तो आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस हवाले से कि ग्वादर क्या है, क्या बन रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है और क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ वो जो है वो आवाम के लिए बन रही है। देखिए, ग्वादर जो है वो हम सबको पता है कि आपका पाकिस्तान का फ्यूचर है, और ये भी सबको पता है कि हमारा मास्टर प्लान आ गया है और उसी मास्टर प्लान की इम्प्लीमेंटेशन इस वक्त चल रही है। और उसमें कुछ चीज़ों में हमने सोचा कि हम इस्लामाबाद और लाहौर में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलें और अपना जो हमारा जो प्लान है वो उनके साथ शेयर करें, और इनके जो एक्सपीरियंसेस सो फार रहे हैं डेवलपमेंट में वो हम उनसे उसमें थोड़ी रहनुमाई लें उनसे, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो हम उनसे अडॉप्ट करें और कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो उनको अवॉइड करें, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस से फ़ायदा उठाएँ और जो वर्स्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको उनसे इज्तनाब करें। सर, मुझे ये बताइए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो ग्वादर के, वो मेन मेन जो उनसे है वो भी आप थोड़े डिस्कस कर लें। देखिए, जो इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो एयरपोर्ट बन रहा है नया, वहाँ पे एक एक्सप्रेस वे बन गया है जो कि पोर्ट से आपको कोस्टल हाईवे तक आपको कनेक्ट कर रहा है, पावर प्लांट लग रहा है, जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ये हैं। एक फ्री जोन है वहाँ पे जो कि हम समझते हैं कि उससे उधर बहुत बड़ी इंडस्ट्री आएगी जो कि पोर्ट को डिमांड पोर्ट के लिए जनरेट करेगी और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो कि इकोनॉमिक आपका एक अपलिफ्ट मुल्क के लिए उससे आएगा। तो इसके अलावा हम जो है हमारे टाउन प्लानिंग के रेगुलेशन, बिल्डिंग कंट्रोल के थे, वो हम सारे मॉडर्नाइज कर चुके हैं, तो हमारे मास्टर प्लान के साथ इन सिंक है वो। तो काम तो हम बहुत सारा कर रहे हैं, उसमें प्लानिंग भी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है। सर, कहीं पर भी रहने के लिए बेसिक नीड्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की चीज़ें। तो ग्वादर जो है वो कहाँ तक इन चीज़ों में जो है वो सबकत ले रहा है और आगे प्रोसीजर जो है वो चल रहा है? जी बिल्कुल, हम इस पर भरपूर तवज्जो है गवर्नमेंट की। जो स्कूलिंग है, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो या आपकी हायर सेकेंडरी हो या फिर हायर एजुकेशन हो, उस सब पे गवर्नमेंट काम कर रही है। यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन उन्होंने दे दी है, उसका चार्टर भी हो गया है, तो यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो इन द पाइपलाइन। इसके अलावा हम मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग स्कूल, वो भी पाइपलाइन में, उसकी फिजिबिलिटी चल रही है। हॉस्पिटल हमारा है जो कि सीपैक के एम्बिट में, उसकी एक्सपेंशन चल रही है, तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल होगा ग्वादर शहर में। इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी वो बन रहा है जो किसी पैक के एम्बिट में है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो तो ज़ाहिर है आपका बैकबोन होगी ग्वादर की, उस पर बहुत काम हो रहा है, उस पर सीरियसली काम हो रहा है। वो शायद इस वक्त आपको नज़र ना आए लेकिन उस पर काम हो रहा है, तो डाउन द लाइन 5-6 साल में आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि ग्वादर जो रेगिस्तान एरिया है तो उसके ऊपर पीएचए कितना काम कर रही है, ग्रीनरी का कितना काम हो रहा है, लोग जो है जारी बात है अगर कहीं रहेंगे तो एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रीनरी से ही बेहतर होता है, तो उस लिहाज से कितना काम किया जा रहा है? नहीं, उसी सिलसिले में तो हम यहाँ पे आए हैं, पीएचए के साथ हमने काम थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें और उनका ये जो एक्सपर्टीज़ है उससे थोड़ा फ़ायदा उठाएँ। तो इन्वायरमेंट जो है हमारे मास्टर प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें हमने इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हर जगह पे रखे हुए हैं, तो एनवायरनमेंट को हमने बेहतर करना है। उसके लिए ग्वादर की कुछ वीकनेसेस भी हैं कि पानी का इशू है, तो उसके लिए हम उसको डीसेलिनेशन और ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए ये कमी जो है इसको पूरा करेंगे। तो हम ट्रीटमेंट प्लांट एक हमारे पास है जो कि जिससे हम हॉर्टिकल्चर और ये कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर, और हम 2-3 ट्रीटमेंट प्लांट्स और लगाने जा रहे हैं। तो ग्रीनरी और एनवायरनमेंट हमारा ग्वादर का एक मास्टर प्लान का, मैंने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उसी पे हम इंशाल्लाह काम भी कर रहे हैं और कुछ 2-3 सालों में आपको उसका बेहतर। जी जी, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, मुझे बताइए कि लाहौर आया है, यहाँ का वेदर, गुलदाउदी की नुमाइश, फूलों की नुमाइश, कैसा महसूस कर रहे हैं? लाहौर तो हमेशा
यहाँ पे आके हमें अच्छा ही लगता है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग भी यहीं पे थी एकेडमी से. तो लाहौर इज़ लाइक सेकंड होम टू मोस्ट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स. तो मेरे लिए भी जो है ये लाहौर हमारे लिए जो है दूसरा शहर है. आजकल मौसम भी बड़ा अच्छा है, खूबसूरत फूल है, तो अच्छा लगता है मुझे. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. जी ये थे शसेब काकर साहब और इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो गवादर के बारे में हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया. उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगली दफा मिलेंगे किसी नए मकाम पे, किसी नई जगह पे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है. सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है. अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें.